यहाँ पे मैं जब मैं जॉब करता था इधर आगे क्लब में इंद्रा रिजॉर्ट है तो वहाँ पे तब मैं ये गेस्ट हाउस में रहता था। ये ऊपर तो अभी हम पहुँचे हैं वारका बीच में, गोवा में। बहुत ही पीसफुल और क्या शानदार नज़ारा है। आप देखिए ये सामने है बीच, वहाँ तक चलेंगे। तो ये है साउथ गोवा का बीच और यहाँ पे बोटिंग भी बहुत कम हो रही है। एक ही बोट दिख रहा है वहाँ पे। मज़ेदार है यहाँ का नज़ारा। सारे फॉरनर्स हैं वो लेटे हुए वहाँ पे मस्ती से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नीज एंड लाइफस्टाइल चैनल पे। कैसे आप लोग? आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है साउथ गोवा घूमने का। जो भी बीच है साउथ गोवा में, जो जो हम देख पाएंगे वो घूमेंगे वहाँ पे। और ये काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से, तो सभी लोग आ रहे हैं। निकलते हैं साउथ गोवा की तरफ। तो हम आ गए हैं नीचे। इधर ब्यूटीफुल व्यू है, ये सारा इतने अच्छे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे कंप्रोमाइज बने हुए हैं। बहुत बढ़िया गाड़ियाँ। चलिए चलते हैं। चलिए जी, चलो जी, चलो चलो चलो। तो हम निकल पड़े हैं साउथ गोवा के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं मडगांव वाले रास्ते पर और यहाँ से हम पहुँचेंगे साउथ गोवा। तो अभी ये पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल और हवा चेक करवाने के लिए। पेट्रोल भरवा लिया और हवा चेक हो गई है। बस निकलते हैं आगे। काफ़ी दूर है नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। मौसम काफ़ी गर्म है यहाँ पे, धूप निकली है पूरी। ये सामने जा रहा है रास्ता। जब मैं जॉब करता था इधर आगे क्लब में इंद्रा रिजॉर्ट है तो वहाँ पे तब मैं ये गेस्ट हाउस में रहता था। ये ऊपर यहाँ पे दो क्लब में इंद्रा के दो रिजॉर्ट्स हैं। ये वाला है क्लब में इंद्रा एमरल्ड पाम और दूसरा क्लब में इंद्रा वारका। अच्छा, ये बहुत अच्छी लोकेशन है यार। ये तो वहाँ से चल के आते थे यहाँ पे सुबह। अच्छा, तो यहाँ पे ये जॉब करते थे, वो पीछे घर था। ये रास्ते में दिख गया तो कहते चलो देख के चलते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं वारका बीच में, गोवा में। वारका बीच, ये आसपास की सराउंडिंग्स हैं। बहुत ही पीसफुल और क्या शानदार नज़ारा है। आप देखिए, देखिए इस नज़ारे को। वाह, ये साउथ गोवा में है। ये सामने है बीच, वहां तक चलेंगे। लेकिन जो बाहर का नज़ारा है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये नारियल के पेड़ लगे हैं ऊँचे ऊँचे आसपास और वो उधर से आए हैं।
उधर जाना है। तो चलते हैं इस ब्यूटीफुल बीच की तरफ। ये रास्ता जा रहा है सीधा। क्या शानदार नज़ारा है। ज़्यादा शोर शराबा नहीं है यहाँ पे, पीसफुल सा बीच है। लोग आराम से मस्ती से बैठे हैं और वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं सारा ये नज़ारा। कैसा लगा ये बीच? शांत नहीं है ये काफ़ी? वाह, यहाँ पर फॉरनर्स ही लग रहे हैं ज़्यादा आए हुए। ये है जी समुद्र का नज़ारा। मजे मज़ेदार, क्या बात है, मस्त नज़ारा समुद्र का, मज़ेदार। यहाँ पे बोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, एक ही बोट दिख रही है। वो जैसे नॉर्थ गोवा के बीच है ना, वहाँ पे कितनी बोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बोट दिख रही है, बाकी बोट से इधर बड़े हैं। इतना हो हल्ला शोर शराबा तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, एकदम शांत सा बीच है ये। तो ये है साउथ गोवा का बीच जहाँ पे हम अभी अभी आए हैं, लेकिन मस्त नज़ारा है ये। अपने लोग नहा रहे हैं यहाँ पे अंदर और ये लहरें आती हुई, और यही तो है गोवा की पहचान। जितने बीचेस हैं, कलरफुल बीचेस हैं, हर बीच की अपनी अलग पहचान है। जाके आराम से बंदा बैठ के थोड़ी देर निहार सकता है शांत मन से। ये समुद्र की लहरें ज़बरदस्त तरीके से आती हैं। यहाँ पानी भी थोड़ा साफ है, जो दूसरे बीच से उससे थोड़ा साफ पानी लग रहा है ये। तो शानदार नज़ारा है। और ऐसा लगता है नीचे से पैर खिसक रहे हैं, एकदम मिट्टी निकल जाती है पैरों के नीचे से। ये देख, ये लहराई, और अब जो ये वापस जाएगी ना, तो नीचे से मिट्टी ऐसे ऐसे निकलती है। ये इस साइड सारे फॉरनर्स हैं, वो लेटे हुए वहाँ के, मस्ती से आती जाती लहरों को देख रहे हैं वो, और मस्त मज़ा ले रहे हैं इस जगह का। और ये तो एक बार 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ मैं इस पूरे बीच का। चलिए थोड़ा अंदर तक चलते हैं। सब मस्ती कर रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। तो ऊपर ऊपर उठती लहरें काफ़ी ऊंची आ रही हैं वहाँ से। ये आई है, वो बहुत तेज लहरें आई हैं इस वक्त। ये आ रही है, ये आ रही है, ये तो कितनी वहाँ से कितनी ऊंची उठ रही हैं लहरें। और इधर ये नहा रहे हैं, अन्नी आ रही है। ये आ रही हैं जी लहरें, ये आ रही हैं लहरें, ये काफ़ी ऊंची उठ गई ये। ये काफी तेज लहरें आ रही हैं, बहुत तेज उठ रही हैं लहरें ये वाली। ये सब नहाने जा रहे हैं फॉरनर्स,
इसी बीच पे ही बना हुआ है ये वाला। थोड़ी देर यहाँ बैठ के इस व्यू का आनंद लेते हैं। वो सामने है सी बीच और यहाँ बैठे हैं, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ के कुछ खाते पीते हैं। अभी तो यहाँ मज़ा लेते हैं, थोड़ी देर बैठ मस्त मज़ा आया यहाँ नज़ारेदार। टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट बना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने समुद्र है। समुद्र की उठती हुई आती जाती लहरें देखो और ठंडी हवा का आनंद लो। पीसफुल बीच है ये, पीसफुल, एकदम पीसफुल बीच। बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। तो यहाँ ये जो रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका, एविशा कुछ लिखा है वहाँ पे, एविशा। तो अभी हम एक बार बाहर दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या और क्या है यहाँ पे। जो लोग चाहते हैं कि मतलब कोई बीच ऐसा हो जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, आराम से बैठ के सी या समुद्र को निहार सकें, तो वहाँ पे ये बीच मुझे सबसे बेस्ट लगा। कोई यहाँ शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है और जहाँ क्राउड भी नहीं ज़्यादा और सब लोग अपना मस्ती से इंजॉय कर रहे हैं। बस ठीक है कि शांति से बैठ के देखो व्यू को पूरे, उसी का तो मज़ा है। और इस साइड जो ये सामने बोट्स खड़ी है ना ये वाली, तो मैंने पूछा इनसे, ये जो पीछे रेस्टोरेंट है इनके ओनर से, वो उसने बताया, मैंने कहा ये बोट्स जो है मान लो हमने इसमें राइड करनी है तो कैसे करेंगे, तो वो बोल रहा है कि ये राइड के लिए नहीं है, ये लोग लोकल्स हैं जो फ़िशिंग के लिए बोट्स हैं, ये फिश जो फिशिंग करते हैं ना उसके लिए है, जब जो उन्हें फिशिंग करनी है तो उसके लिए उतारते हैं, इसमें राइड नहीं करवाते। और उस साइड जो पीली येलो कलर की हैट देख रहे हैं उसमें लाइफ गार्ड बैठता है, वही देखता है, वो सारा वॉच करता है कि यहाँ पे समुद्र में कोई दूर तक तो नहीं गया। अगर मान लो उसको लगता है कि ये वहाँ वो जो अगर डेंजर जोन है उसमें जा रहा है कहीं पे, तो वो वहाँ पे सीटी बजा के उसको अलर्ट करता है और इनकी ज़रूरत पड़े तो वो खुद भी उसको रेस्क्यू करके लाते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठे थे हम, ये इधर बैठे हैं सुशील भाई और यहाँ पे कुछ इधर रेस्ट कर रहे हैं, कुछ वो बैठे हैं, ये चल रहे हैं, ये मम्मी जी इधर हमारे मम्मी जी साथ में हैं, वो यहाँ पे लेट रहे हैं, लेटे रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है भाई ये अपना मजा है। धूप आ गई अब तो, चलो ठीक है। तो एक बार मैं पूरा ये रेस्टोरेंट दिखाता हूँ जो इस वाकरानी वारका वारका बीच पे है। ये अभी तो सब खा पी के चले गए, यहाँ पे इन्होंने अपना वॉशरूम भी बना रखा है ये वाला, उधर उधर वॉश बेसिन भी है, ये सारा एरिया इसलिए बनाया हुआ। और ये बीच बाहर पे जहाँ पे पार्किंग है ना वो दिख रही सामने, वो उसके साइड पे ये वाइट वाइट जो है वहाँ पे पेड वॉशरूम्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप, लेकिन ये इनका अपना पर्सनल है वॉशरूम करके। ये जो वाइट वाइट है ये है इनके पेड वॉशरूम्स, और इधर साथ में पार्किंग, और वो सामने सड़क दिख रही है वहाँ से हम आए हैं। तो अभी यहाँ बैठे थे हम इस टेबल पे, तो ये भाई साहब जो हमें सर्व करते, क्या नाम है, बोलू बोलू, तो इन्होंने पूछा कि कौन सा चैनल है आपका, तो मैंने बताया, तो फिर कहते मैं सब्सक्राइब करता हूँ आपको, तो इन्होंने सब्सक्राइब किया। और ये मंडी से हैं बद्दर से ब्रोड के पास ही है ये, तो इन्होंने सब्सक्राइब भी किया है और हमें सर्व किया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब वापस चलते हैं अभी, ये निकल रही है हमारी पहली गाड़ी, दूसरी पीछे है हमारी, और वारका बीच से वापस जा रहे हैं अब हम और इस साइड को, मज़ा आ गया यहाँ आके।
दो बजे पहुँच गए हम वापस अपने फ्लैट्स में।